الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از لینئر ایکویشن لاسٹ والے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ لینئر ایکویشن کسے کہتے ہیں لینئر ایکویشن کی ڈیفینیشن لٹل بٹ ہم پھر سے ڈیفینیشن کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے لینئر ایکویشن آلریڈی میں نے آپ سے کہا لینئر ایکویشن وہ ایکویشن ہے جس ایکویشن کی ڈگری ون ہوگی جس ایکویشن کی ڈگری ون دیٹ ایکویشن از کالڈ لینئر ایکویشن اور این ایکویشن وچ ول سیٹسفائی اے ایکس پلس بی ایکس پلس سی ایکولس ٹو زیرو دیٹ ایکویشن وی کین کال اٹ اے لینئر ایکویشن یہاں پہ اگر اے بی اور سی کی ہم بات کریں گے اے بی اینڈ سی دیز ریپرزینٹس دا ریئل نمبرس اور سمپلی وی کین سی دیٹ دیز ریپرزینٹس دا کانسٹنٹ ٹرمز वो जो एक्स है इट रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल सो वी कैन कॉल इट अगर हम इस इक्वेशन की डिग्री चेक करेंगे यहाँ पे डिग्री वन है सो वी कैन से दैट इट इज अ लीनियर इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल और इसके बाद हम यहाँ पे एक इक्वेशन लेंगे सेवन प्लस एक्स इज इक्वल टू नाइन क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन की बात करेंगे जिस इक्वेशन में साइन ऑफ इक्वलिटी होगी जहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी होगी दैट वी कैन कॉल इट एन इक्वेशन दैट वी साइड इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड से यह है वी कैन कॉल इट लेफ्ट हैंड साइड और जो इक्वल टू के इस साइड में है दैट इज कॉल्ड एज RHS, RHS stands for right hand side. अगर आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन मेथड में मैंने आपसे कहा कि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपको 7 प्लस एक्स करना है ऑलरेडी मैंने आपसे कहा कि 7 प्लस को हम एडिशन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि दीज टू आर अनलाइक टर्म्स ये अनलाइक टर्म्स ही अनलाइक टर्म्स का ऐड नहीं हो सकता अगर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा कि जब भी आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कोई चीज ट्रांसफर करना होगा वन सेकेंड वी विल डिस्कस हियर अगर लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन होगा अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन करना है यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये वाला साइड लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पे हमें एडिशन करना है अगर आप किसी भी डिजिट को ट्रांसफर करोगे किसी भी वेरिएबल को ट्रांसफर करोगे राइट हैंड साइड तो यहाँ पे कन्वर्ट होगा जो एडिशन साइन है इट विल कन्वर्ट इनटू सबट्रैक्शन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एडिशन करना था जब आप प्लस सेवन को इस सेवन को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा इन केस If it is 7 minus x is equal to 9. अगर हम यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें सब्ट्रैक्शन करना है अगर हम किसी भी डिजिट को ट्रांसफर करेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन आप ट्रांसफर करोगे इनटू राइट हैंड साइड तो आपको वहां पे एडिशन करना पड़ेगा अगर लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन तो राइट हैंड साइड में आपको एडिशन करना पड़ेगा अगर लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन तो राइट हैंड साइड में आपको सब्ट्रैक्शन इन केस और वी कैन सी दैट अगर राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एडिशन करना पड़ेगा अगर राइट हैंड साइड में एडिशन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सब्ट्रैक्शन करना है इन और अगर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन होगा तो राइट हैंड साइड में हमें डिवीजन करना पड़ेगा अगर राइट हैंड साइड में डिवीजन तो ऑब्वियसली तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होगा अगर यहां पे डिवीजन लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और गेटिंग और सिंपल सी बात है यहां पे मैंने एक एग्जांपल ली 7 प्लस x इक्वल्स टू 9 7 प्लस x इज इक्वल टू 9 अगर हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एडिशन करना है इससे पहले मैंने आपसे कहा कि जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन होगी अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा फॉर एग्जाम्पल इट इज एक्स प्लस वाई इनको आपको एडिशन करना है देखो हम किसी भी सूरत में इनका एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि दीज टू आर अनलाइक टर्म्स ये अनलाइक टर्म्स ही आप एड और सब्ट्रैक्ट जहां तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप एड और सब्ट्रैक्शन तब कर सकते हो जब आपके पास लाइक टर्म्स होंगे अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है हाउ वी विल आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स हम लाइक टर्म्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे देखो सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी है एक तो वहां पे सेम वेरिएबल्स होने चाहिए वहां पे सेम वेरिएबल्स होने चाहिए और इनके पावर्स भी सेम होनी चाहिए यानी मैंने कहा इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द लाइक टर्म अगर आपको लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरिएबल चेक करने हैं वेरिएबल सेम होंगे कि नहीं अगर वेरिएबल सेम है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है इट इज 7x इट इज 8x2
अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या ये लाइक टर्म्स है कि नहीं। मैंने कहा कि आपको पहले वहां पे इनके वेरिएबल्स को चेक करने ही। देखो अगर हम इनके वेरिएबल्स चेक करेंगे, यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स है, तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम सेटिस्फाई करेंगे तो उस लिहाज से ये लाइक टर्म्स ही। अगर मैंने आपसे कहा यू हैव टू चेक दियर पावर्स, आपको इनके पावर्स को भी चेक करना है। देखो इसका पावर वन है, इसका पावर टू है, दियर पावर्स आर डिफरेंट, सो वी कांट कॉल देम लाइक टर्म्स, हम इनको लाइक टर्म्स नहीं कह सकते, तो आप भी इनका एडिशन नहीं कर सकते। यानी जब भी आपको जब भी आपको एडिशन करना होगा, जब भी आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो आपको लाइक टर्म्स पहले वहां पे देखने। देखो अगर यहाँ पे 7x है, यू हैव टू यूज, आपको एडिशन करना है, कॉमा के बजाय साइन ऑफ एडिशन इस्तेमाल करेंगे, इट इज 8x2। मैंने पहले ही आपसे कहा आप इनका एडिशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनके जो पावर है वो डिफरेंट है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो आप इनका एडिशन नहीं कर सकते हो। इन केस अगर हमारे पास होगा 8x2 + 10x2, हम यहाँ पे कॉमा लेंगे, एडिशन करना है 8x2 + 10x2। क्वेश्चन क्या था, यू हैव टू ऐड हियर, आपको ऐड करना है, तो सिंपल सी बात है, इस कॉमा के बदले आपको साइन ऑफ एडिशन यूज करनी है, इट बिकम्स 8x2 + 10x2। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा अगर आपको एडिशन करना होगा, अगर आपको सब्ट्रैक्शन करनी होगी, तो पहले आपको ये चेक करना है क्या ये लाइक टर्म्स है कि नहीं। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स, आपके इनके वेरिएबल्स को चेक करना है, आपके इनके पावर्स को चेक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है और यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स, यहाँ पे पावर टू और यहाँ पे भी पावर टू, देन वी कैन कॉल देम लाइक टर्म्स। तो हम कह सकते हैं दीज टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स। इनका एडिशन जब आप करोगे 8 + 10 बिकम्स 18 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, इट बिकम्स 18x2। गलत कहने का मतलब यही है, जब भी सेम इज द केस इन सब्ट्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 7x - 4y, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 7x - यहाँ पे -4y, फिर बाद में वो प्रॉपर्टीज इन चीजों को जब मल्टीपल करेंगे क्या होगा। गरज ये है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल वाई है, इनका आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप तब कर सकते हो जब आपके पास लाइक टर्म्स होंगे। अब अगर आपके पास होगा 7x और यहाँ पे होगा 2x, तो यहाँ पे 7x - 2x = 5x, तो यहाँ पे जो वेरिएबल सेम है, मैंने कहा सिर्फ लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके वेरिएबल्स को चेक करना है, आपके इनके पावर्स को चेक करना है। और हम अपने टॉपिक पे आएंगे, हमारे पास इक्वेशन है लीनियर, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये चेक करेंगे क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। अगर आपको याद होगा लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे कहा जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी दैट्स कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, जिसकी 2 होगी दैट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी 3 होगी दैट्स कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन, और 4, 5 एंड सो ऑन दैट्स कॉल्ड द बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखिए चेक दिया डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री 1 है, तो वेरिएबल एक ही इस्तेमाल हुआ है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो सर दैट इज अ लीनियर इक्वेशन बट हैविंग ओनली 1 वेरिएबल। अब क्वेश्चन कहता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, आपको यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैंने कहा यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशन मेथड। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको चेक करना है, पहले आपने ये आइडेंटिफाई किया है हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब हम जाएंगे सीधा ये लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें एडिशन करना है 7 + x। पहले हम ये देखेंगे कि हम इनका एडिशन कर सकते हैं कि नहीं। नो, यहाँ पे हम एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि यू नो दैट द डेफिनेशन ऑफ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, दीज टू टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स, यहाँ पे आप एडिशन नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारे पास अनलाइक टर्म्स ही। अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना था, हम ऐड नहीं कर सके क्योंकि अनलाइक टर्म्स ही। अगर हम +7 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, इसकी साइन चेंज होगी, इट बिकम्स एक्स इज इक्वल टू, ऑलरेडी राइट हैंड साइड में हमारे पास 9 है, राइट हैंड साइड में 9 है, और यहाँ पे ये 7 की साइन पॉजिटिव है, जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे माइनस बन जाएगा 9 - 7। As we know that, 9 को 7 subtract करना है, that is 2, तो ये +2 आएगा, क्योंकि इस 9 की जो साइन है वो प्लस है, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास 2 है। और वी कैन से दैट अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है 3m = 9, तो यहाँ पे आपको m फाइंड वैल्यू ऑफ m, हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वेयर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m हियर, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 3 और m के बीच में कौन सी साइन है, देयर इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और वी कैन राइट इट एज, हम इस तरीके से भी ये लिख सकते हैं 3 * m = 9,
मैंने पहले ही आपसे कहा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन होगा, जब आपको इसको कन्वर्ट करना होगा राइट हैंड साइड में, इसकी जो साइन है वो डिवीजन में चेंज होगी। यहाँ पे ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, मल्टीप्लीकेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन होगा तो राइट हैंड साइड में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये थ्री यहाँ पे मल्टीपल है तो राइट हैंड साइड में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो नाइन इक्वल टू ऑलरेडी राइट हैंड साइड में नाइन है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो नाइन डिवाइडेड बाई थ्री, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, वहां पे आपको डिवाइड करना है। और वी कैन राइट इट एज m इज इक्वल टू 9 बाई 3, 3 1 इज 3, 3 3 इज 9, m इज इक्वल टू 3 बाई 1, और वी कैन राइट इट एज m इज इक्वल टू 3, क्योंकि वी नो दैट वी कैन राइट एवरी नेचुरल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, इट इज इक्वल, इट इज p बाई q फॉर्म इज 3 बाई 1, और वी कैन राइट इट एज इट इज इक्वल टू 3। एक और एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास होगा m डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 81, m डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड को चेक करेंगे वहां पे आपको डिवीजन करना है, अगर हम ट्रांसफर करेंगे टू राइट हैंड साइड इट विल कन्वर्ट। यहां पे देखिए मैंने आपसे कहा ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एडिशन करना था, सबट्रैक्शन राइट हैंड साइड में सबट्रैक्ट करना पड़ा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन है। सेम केस इज हियर, m डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, तो जब आप राइट हैंड साइड में इसको कन्वर्ट करोगे तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो m इज इक्वल टू, ऑलरेडी पहले आपको वो डिजिट लिखना है, वो नंबर लिखना है जो राइट हैंड साइड पे होगा, तो राइट हैंड साइड पे 81 है, तो पहले हम 81 लिखेंगे। अब ये 9 यहाँ पे डिवाइड था, मैंने कहा जब इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो कन्वर्ट होगा इनटू मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीपल बाय 9, it became as m equals to 9 into 1 is 9, 9 8s are 72, it became as m equals to 729, inshallah by the grace of Almighty Allah, next lecture mein hum iski exercise